हेलो एवरीवन, दिस इज स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। तो इस सीरीज़ में हम तीसरा वीडियो आज अपलोड कर रहे हैं, जहां पे हम देखेंगे केमिस्ट्री के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जितने भी बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, जिनका केमिस्ट्री सब्सिडरी में है या फिर जनरल कोर्स के अंतर्गत उनका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हो सकता है। इससे पहले मैंने दो वीडियो और अपलोड की है, जिसका लिंक प्लेलिस्ट के सहित नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां पे ऑलरेडी मैंने 20-20 कुल मिला के 40 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। और इस आज की इस थर्ड वीडियो के 20 क्वेश्चन मिला करके कुल 60 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं कुल मिला के 250 से 300 क्वेश्चन को एनालाइज़ किया था, और टीम के कुछ लोगों ने बताया कि ये जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वैसे क्वेश्चन को हमने अपने पूरे स्लाइड में डालने की कोशिश की थी। कुल मिला के 60 क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो हर साल लगभग आते रहते हैं, वैसे क्वेश्चन हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करिए, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो के तहत पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे पिछली बार मैंने बकवास की थी, वो बकवास फिर से करना चाहूँगा, कि आप अपना पेन पेपर ज़रूर लेके बैठिए, ताकि आप खुद को एनालाइज़ कर सकिए, आपको कितने नंबर आ रहे हैं 20 में से वो ज़रूर देख सकिए, ताकि एक आपको समझ में आए, एक आंकड़ा पता चले कि आप कितने पानी में हैं या फिर आपकी तैयारी का स्तर कितना है। अगले साल जब आप बैठेंगे केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करने के लिए या तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो आपको कहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, आपका स्तर क्या रहने वाला है उस टाइम प्रिपरेशन के लिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी इन सभी क्वेश्चंस को देखने के बाद, इन सभी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, और उनके बाद जब उनका सोल्यूशन के बाद आपके पास एक रिजल्ट होगा या कहिए आपको एक आंकड़ा पता चल जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया। तभी अगर सीधे सीधे से ऐसे ही आप पूरा वीडियो देख जाएंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, ज़रूर देखिए। केवल मेरे पास रिपोर्ट है, केवल 10% बच्चे ही इन वीडियोज़ को सीरियसली पूरा फॉलो थ्रू कर रहे हैं और अच्छे तरह से वो इनका एनालिसिस भी कर रहे हैं अपने आंसर्स का। सो मैं आशा करूँगा कि आप भी उन 10% में ज़रूर जुड़ें और इस परसेंटेज को आगे बढ़ाएं, और अपना जहां से भी पढ़ो यार, लेकिन ट्रूली पढ़ो। देखो, अगर मन से नहीं पढ़ोगे, सही टाइम नहीं दोगे, तो फिर दिक्कत होगी। पढ़ाई करनी है तो आपको 1.5 घंटा 2 घंटा देना पड़ता है, उसमें से थोड़ा समय निकालो, चाहे यहाँ से पढ़ो चाहे कहीं से पढ़ो, लेकिन अगर आपको प्रिपरेशन करनी है अच्छी, तो आपको टाइम देना होगा। चलिए, इन्हीं सब बकवास बातचीत के साथ शुरू करते हैं अपना इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ 53 I raised to power 128 वेयर टी हाफ इज इक्वल टू 25 मिनट्स लेफ्ट आफ्टर 50 मिनट विल बी, क्या होना चाहिए? यहाँ मुझे लग रहा है ये रेडियो एक्टिविटी वाला शायद क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? या 1/4 होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, या फिर नन होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जल्दी बताइए। चलिए देखते हैं, आंसर होना चाहिए 1/4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच रेट कॉन्स्टेंट के विच एक्सप्रेशन गिव्स द हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फा, बताना है क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जहाँ पे रेट कांस्टेंट हमने के लिया, तो ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन देना होगा जो हाफ लाइफ पीरियड को डेमोन्स्ट्रेट करता हो, जहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अल्फा लिया गया हो। ऐसी स्थिति में क्या वो होना चाहिए 1/1n² / k, 1/α, 0.693/k, या फिर 3/2k α², क्या होना चाहिए आंसर आपके हिसाब से? जल्दी जल्दी बताइए। पेन पेपर लेके जरूर बैठिएगा, अपने आप को एनालाइज करते रहिएगा, अंत में देखिएगा कि आपको कितने नंबर मिले हैं। अगर आपने 15 या 12 के आसपास स्कोर किया, तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बिना चीटिंग के आप बहुत अच्छे से पास करेंगे, ये गारंटी है। अगर आपका स्कोर 10th के नीचे रहता है और थोड़ा सा 8 के ऊपर 7 के ऊपर, तो समझिए कि आप थोड़ा बहुत और प्रिपेयर कर लेंगे तो आपकी तैयारी मक्खन हो जाएगी। कम से कम 70% के आसपास रहोगे आप सब्सिडरी पेपर में। बहुत नीचे आ रहा है 5-6 आसपास, तो समझिए यार तैयारी की ज़रूरत है, और उतना भी नहीं आ रहा तो फिर आप तो मान हो, आप तो मुरब्बा हो, चमन प्राश है ना। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इसका आंसर होगा 0.693/k। एक चीज़ आपने गौर की होगी, सब्सिडरी क्वेश्चन जो ग्रेजुएशन में सेट किए जा रहे हैं, अक्सर इनमें एक चीज़ कॉमन रहती है कि जो भी आपको ऑप्शन में आंसर रहता है वो बहुत ही अलग रहता है। एक वेरिएबल जो भी आंसर दिया जाता है वो बाकी 3 ऑप्शन से वेरी करता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्पष्ट आंकड़ा दिख रहा है 0.693/k। इन छोटी मोटी चीज़ों को भी आप ध्यान में रख सकते हो। खैर, ये हर जगह काम नहीं आएगा, लेकिन आपको एक इस क्वेश्चन स्पेसिफिक के लिए याद रखने में मदद कर सकता है कि हाँ भाई, वहाँ पे 4-5 ऑप्शंस थे जहाँ पे मैंने देखा था, जहाँ पे k था, अल्फा था, 1 था, 2k था, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन एक स्पेसिफिक आंकड़ा भी था वहाँ पे जो पॉइंट में था, उसके अपॉन में k था, तो वो आंसर हो सकता है। इस तरह से याद करोगे तो कम से कम रट्टा मार टेक्निक भी काम आ सकती है। अगर आपने एक जीरो तैयारी कर रखी है, तो वैसी स्थिति में आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। अच्छी तैयारी तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्ड टू 0.01 m एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी
सब्सटेंस आफ्टर 24 आवर्स. हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 6 आवर. देन इंजेक्शन ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दैट कैन बी इंजेक्टेड विल बी 0.08, 0.04, 0.16 या फिर 0.32. क्या होना चाहिए इसका आंसर आपके हिसाब से? चलिए देखते हैं, आंसर होगा 0.16. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 40 डेज, कैलकुलेट द एवरेज लाइफ. अब देखिए, हाफ लाइफ जो है ये रेडियो एक्टिविटी का एक जो रेडियो एक्टिविटी टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो उसके अंतर्गत एक सब टॉपिक के तौर पे पढ़ाया जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन होता है. ये सेक्शन अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स वाले हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये पूरा ग्रेजुएशन के तीनों सेशंस में पढ़ाया जाता है और अंत में भी ये जो रेडियो एक्टिविटी का जो चैप्टर होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भविष्य में भी अगर आप केमिस्ट्री के साथ परस्यू करना चाह रहे हैं आगे मास्टर्स की डिग्री, भविष्य में केमिस्ट्री के साथ देखते हैं आप अपने आप को कहीं बेहतर पोजीशन में, तो जाहिर सी बात है रेडियो एक्टिविटी जैसी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत. अगर आप सब्सिडरी के तौर पर भी पढ़ रहे हो तो आपको मैं बताता हूँ कि 12th क्लास में अगर आपने साइंस ली थी तो आपको याद होगा कि थोड़ा सा हमें रेडियो एक्टिविटी का ग्लिम्प्स दिया गया था, हमें हाफ लाइफ लाइफ पीरियड के बारे में भी पढ़ाया गया था. जहाँ तक मुझे याद है मैंने 12th क्लास में पढ़ी थी. आपका सिलेबस बदला है या नहीं इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है, लेकिन हाँ रेडियो एक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जो अक्सर हर बच्चे को पढ़ना पड़ता है 12th के बाद. तो ये रहा, जितने भी बच्चों ने साइंस लिए उन्हें ही ये पढ़ना पड़ता है डेफिनेटली. आर्ट्स वालों को तो पढ़ाएंगे नहीं रेडियो एक्टिविटी, उन्होंने पढ़ाकर क्या करेंगे. हाँ चलिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? 5.76 डेज, 5.76 डेज, 6.46 डेज, 4.56 डेज. क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसका आंसर? मार्क करते चलिएगा ताकि आपको समझ में आए, एनालाइज कर पाएँ आप कि आपको कितने नंबर मिल रहे हैं और आप किस स्तर पे हैं. ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं, 57.6 डेज. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, पूछता है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ लगता है ऑर्डर की स्पेलिंग गलत हो गई, माफ़ी चाहूँगा. फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर ए इज इक्वल्स टू बी, यहाँ रिएक्शन वाला इज इक्वल्स है, समझ रहे हैं, जो रिएक्शन दो एलिमेंट्स दो साइड्स के बीच में रिएक्शन दिखाने का जो सिंबल होता है वो ये सिंबल है. ठीक है, ये वाला सिंबल, ओके. हाँ, रिएक्शन रेट एट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.01 m इज फाउंड टू बी 2.0 × 10⁻⁵ मोल L inverse S inverse. द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज, क्या होना चाहिए यहाँ पे? हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है और इसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी. खैर यहाँ पे आप थोड़ा बहुत 3-4 क्वेश्चन स्पेसिफिक होते हैं जो आप याद कर लोगे तो भी काम चलेगा, जैसे कि ये वाला एक क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कोई एलिमेंट नहीं दिया गया, एक कॉन्स्टेंट ये वेरिएबल एलिमेंट के तौर पर आपसे पूछा गया सवाल. कोई अगर स्पेसिफिक एलिमेंट दे दिया जाए तो उसका आप निकालने जाओगे तो वो थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल डाला गया है ए और बी, तो इस स्थिति में आपको यहाँ पे फिक्स्ड आंसर मिलेगा जो कि है 347 सेकेंड्स. ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इन एरेनियस प्लॉट इंटरसेप्ट्स इज इक्वल टू, लगता है इंटरसेप्ट्स होना चाहिए था मुझे, ठीक है, इन एरेनियस प्लॉट इंटरसेप्ट्स इज इक्वल टू, क्या होना चाहिए? -EA/R या फिर नेचुरल लॉग ऑफ ए, ये देख रहे हैं आप IN जो सिंबल होता है ये नेचुरल लॉग का सिंबल है. ठीक है, लॉग होता है और एक नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग का सिंबल होता है IN, नेचुरल लॉग ऑफ ए, ऑप्शन नंबर सी नेचुरल लॉग ऑफ के, या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉग ऑफ अल्फा, लॉग टेन अल्फा. क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसका आंसर, जल्दी बताइए. चलिए देखते हैं, आंसर इसका होगा नेचुरल लॉग ऑफ ए इस एरेनियस प्लॉट में इंटरसेप्ट्स को जब इक्वल हो जाते हैं, इंटरसेप्ट्स जो इक्वल होते हैं जिसके, वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, द स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द, क्या इनमें से कौन सी संभावना है जिनके ऊपर स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिपेंड करता है, क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी जो शुरुआत के प्रोडक्ट दो साइड्स होती हैं एक रिएक्शन में, मैं आपको बताना चाहूँगा. एक साइड होती है फॉर एग्जाम्पल ये वाली साइड, ठीक है, और उसके बाद होती है एक रिएक्शन के बाद एरो जो होता है इसके बाद एक साइड होती है, तो जो इधर वाली साइड है मान के चलिए अगर इसको एक लिखते हैं तो इसको कहते हैं रिएक्टेंट साइड. ओके, रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट करने वाली है, इस साइड में 3 से 4 एलिमेंट या 3 से 4 कंपाउंड मिक्सचर्स ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. उसके बाद होता है एक एरो के बाद वाली साइड, इसको कहते हैं बी कह लीजिए, इस साइड को कहते हैं प्रोडक्ट साइड. ये जो भी रिएक्शन होता है उसके बाद प्राप्त होने वाली चीज़ों को इस साइड में रखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं. चलिए अब देखते हैं क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वही वाला जो मैंने आपको डिस्कस किया अभी अभी, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट या फिर टेम्परेचर, इसमें से क्या होना चाहिए आंसर? चलिए आंसर देखते हैं, आंसर होगा टेम्परेचर. टेम्परेचर किसी भी होता है, द स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर ही ये निर्भर करता है. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ के अनुसार
पॉजिटिव डेविएशन कौन सा दिखाता है इसमें से, ये थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप इसे। चलिए C6 फिजिकल का ही क्वेश्चन है ये, 12th क्लास में हमें पढ़ाया गया था रॉल्स लॉ के बारे में। चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए आंसर। ऑप्शन नंबर ए C6H6 एंड C6H5CH3, ऑप्शन नंबर बी, सी या डी, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जहाँ तक मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर सी में एक पहला जो एलिमेंट है वो है क्लोरोफॉर्म, और दूसरा एलिमेंट जो है उसको कह सकते हैं इथेनॉल, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए, आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। आंसर होगा वही ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हमने पॉजिटिव डेविएशन तो देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं नेगेटिव डेविएशन क्या होना चाहिए रॉल्ट्स लॉ के अनुसार। ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th क्लास में भी इसका हमने ग्लिम्स दिया गया था, रॉल्ट्स लॉ के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई थी। ऑप्शन सारे वही हैं, आपको इसमें से बताना है कि क्या सही होगा नेगेटिव डेविएशन के केस में। जैसे कि हमने बताया पॉजिटिव डेविएशन के केस में आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, CHCl3 एंड C2H5OH, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 में हमें नेगेटिव डेविएशन पूछा, पिछले बार पॉजिटिव डेविएशन हमने डिस्कस किया, अब नेगेटिव डेविएशन उसी केस में रॉल्ट्स लॉ के अनुसार क्या होना चाहिए आपको आपके हिसाब से, जल्दी बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर होगा DCHCl3 एंड CH3COCH3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10th, ए 3% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर जहाँ मोलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू 352 इज आइसोटोनिक विथ 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, द मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स इज, जहाँ पे 3% सॉल्यूशन है एक्स शुगर केन शुगर का जिसका मोलिकुलर वेट यहाँ बताया जा रहा है 352, वहाँ पे अगर आइसोटोनिक होता है वो 1% सब्सटेंस कोई एक्स है उसके सॉल्यूशन के साथ, तो वहाँ मोलिकुलर वेट क्या होना चाहिए एक्स का, क्या 68.4 होगा, 34.2 होगा, 171.2 होगा या 136.2, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर? देखिए मार्क करते चलिएगा अपने आंसर्स को और एनालाइज करिएगा खुद को कि आपका कितना सही हो रहा है, ताकि आप समझ पाएँ कि कैलकुलेट कर पाएँ कि आप किस स्तर पे हैं। मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए दोहरा रहा हूँ कि मेरे पास रिपोर्ट है, जैसे जितने भी यूट्यूब चैनल जो लोग चला रहे होते हैं उनके पास एनालिटिकल रिपोर्ट होती है, जहाँ उन्हें समझ में आ रहा होता है कि हर एक वीडियो के बारे में कि कितना लोग देख रहे हैं उस वीडियो को, कितना चल रही है। मेरे पास एनालिटिकल रिपोर्ट है, उसके अनुसार पिछली वीडियोज़ में केवल 10% बच्चों ने ध्यान दिया है सही ढंग से, तो मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अगर ध्यान नहीं देंगे चाहे यार कहीं से भी पढ़ो, चाहे यहाँ से पढ़ो, चाहे अपनी किताबों से पढ़ो, चाहे किसी और चैनल से पढ़ो, चाहे किसी और किताब से पढ़ो, स्कूल ट्यूशन कहीं पढ़ो, ध्यान अगर नहीं दोगे, कंसंट्रेशन नहीं दोगे, आधे घंटे की से भी कम की वीडियोज़ रहती है मेरी इस प्रकार से, अगर कंसंट्रेशन नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा, समझ रहे हो, थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होगा 34.2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें से किसका मैक्सिमम डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से बताना होगा आपको, ध्यान में रखना होगा इस बात को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए NaCl, ऑप्शन नंबर बी यूरिया, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, या ऑप्शन नंबर टी K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, आई थिंक सही है ये, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, इसमें से कौन सी वैसी चीज़ है, सॉरी प्रॉपर्टी है एक, जो टेम्परेचर के द्वारा अफेक्टेड नहीं रहती है। अब ये सारों जो चारों चीज़ें हैं वो है नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोलारिटी और फॉर्मेलिटी। आपको याद हो 12th क्लास में हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था जिसको कहते थे चार लिट्टी के करके हमें यह कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोलारिटी और फॉर्मेलिटी, ये चारों आपस में थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिलेट करते हुए हैं, तो इसीलिए इनको चार लिट्टी करके हमने पढ़ा था। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने चार लिट्टी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। इसका आंसर राइट आंसर होना चाहिए मोलालिटी। चलिए ठीक है, मोलालिटी और मोलारिटी दोनों में अंतर है, समझिएगा, ठीक है, गलती से भी गलत माफ कर दीजिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है द वेंट हॉफ फैक्टर फॉर अ सॉल्यूट that associates in solution is 0, more than 1, less than 1 या फिर 1, constant, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसका आंसर? 1 को 1.0 भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शन में आपके आ सकता है, ठीक है, 1 की जगह 1.0 भी लिख देंगे तो भी आपको वही चुनना है जो सही हो। खैर मैंने आंसर बता दिया लगता है, चलिए देखते हैं आंसर होगा लेस देन 1, ओके ठीक है, मेरा अनुमान गलत था, लेस देन 1 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 पूछता है इफ़ 2 grams ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ अ सॉल्यूशन इट्स मोलारिटी विल बी, देखिए मोलारिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, इन सभी जो चार लिट्टी के मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में बात की, ये क्वेश्चन 12th, ये कॉन्सेप्ट हमें 12th में इसका ग्लिम्स दिया गया, थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है और डेफिनेशन भी हमें पढ़ाई गई है। अब इन चीज़ों को बेस लेकर के आगे काफ़ी चीज़ समझनी होती है, पढ़नी होती है, क्वेश्चन समझने होते हैं, केमिस्ट्री अगर अच्छे से पढ़नी है तो 12th क्लास बहुत बेसिक चीज़ें हैं ग्रेजुएशन के मुकाबले, समझ रहे हो, तो
उन चीज़ों को अच्छे से समझने के बाद ही आप समझ सकते हो। खैर, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ पे होंगे जो सीरियसली पढ़ना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो जाएगा, दोबारा फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री उठाना ज़रूर, जो भी सब्जेक्ट है आपका ज़रूर उसको कंप्लीट करना, उसके बाद सेकंड ईयर की पढ़ाई करना। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैंने फर्स्ट ईयर निकल के अब सेकंड ईयर की तैयारी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं तैयारी करके अगले साल एग्जाम देंगे, चीटिंग करना हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, समझ में आता है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि फर्स्ट ईयर तो निकल गया, सेकंड ईयर की पढ़ाई हम शुरू से करेंगे, फर्स्ट डे से करेंगे और अंततः एग्जाम में हम अपने बलबूते पर लिखेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। तो जो बच्चे सेकंड ईयर में शुरू करेंगे पढ़ाई, सेकंड ईयर की पढ़ाई, वो गलत कर रहे हैं। उनको फर्स्ट ईयर की पढ़ाई सबसे पहले खत्म करनी पड़ेगी, चाहे आपका एग्जाम हो गया हो, लेकिन एक बार फर्स्ट ईयर की किताबें ज़रूर खरीदना, उनको पढ़ना, उनको कॉन्सेप्ट को समझना, तभी आप सेकंड ईयर में समझ जाएंगे। हो, दिवाली गई नहीं अभी तक इन लोगों की। चलिए ठीक है, तो अगर आपने सेकंड ईयर में पढ़ना है ध्यान से, तो फर्स्ट ईयर की सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, उसके बाद ही सेकंड ईयर की पढ़ाई शुरू करना, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया इसलिए क्योंकि ट्वेल्थ से कॉन्सेप्ट आ गया था, उठा के लाया गया है मोलारिटी और चार रेट्टी वाला कॉन्सेप्ट, और इनको फिर ग्रेजुएशन में भी समझाया गया। फर्स्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इनसे, इसलिए मैंने ये बात आपको समझा दी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने बलबूते पर एग्जाम देना चाहते हैं बिना चीटिंग के, उन सभी के लिए ये सारी बातें हैं। ओके, इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, जल्दी बताइए। आंसर होगा 0.5। अगर 2 ग्राम ऑफ NaOH 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा तो उसका मोलारिटी होगा 0.5। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है, इन विच केस रॉल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। किस केस में रॉल्स लॉ जो होगा अप्लाई नहीं किया जा सकता? क्या 1 ml ऑफ NaCl, 1 ml ऑफ यूरिया, या फिर ग्लूकोज, या फिर सुक्रोज इन सेम अमाउंट, कौन सा होगा आपके हिसाब से, जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। चलिए देखते हैं, आंसर है 1 ml यूरिया। इस केस में रॉल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जाता है, देखिए मोलारिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं बार बार रिपीट की जा रही हैं, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप भविष्य में केमिस्ट्री के साथ आगे अपनी डिग्री को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बेसिक और ज़रूरी है पढ़ना। तो जैसे एग्जाम खत्म हो जाए, इन सभी चीज़ों को, इन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा, तभी आपको सेकंड ईयर की पढ़ाई समझ में आएगी। और मैं बता देता हूँ कि सेकंड थर्ड ईयर में आप सोच रहे होंगे कि केवल चीटिंग से काम चलेगा, नहीं होता ऐसा। आप केवल नॉमिनल मार्क्स ला के रह जाओगे, अच्छे नंबर चाहिए, अच्छे पढ़ना चाहते हो, किसी कारणवश अगर फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, लेकिन सेकंड ईयर की पढ़ाई करने से पहले, शुरू करने से पहले फर्स्ट ईयर की सारी चीज़ें दोबारा से जरूर पढ़ जाना, ताकि कोई दिक्कत ना आए सेकंड ईयर की चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मोलारिटी ऑफ अ गिवन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड सॉल्यूशन इज 3 ml। तो इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, क्या होना चाहिए 9 ml, 0.3 ml, 3 ml, या फिर 1 ml, मेरे हिसाब से सेम रह जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है 3 ml। अब आपको लग रहा होगा कि भैया ने पहले इसलिए बता दिया क्योंकि इन्हें पता होगा आंसर इन्होंने नहीं बनाया, तो मैं बता देता हूँ कि ये मेरी टीम है 2-3 लड़कों की, हम लोग मिलकर क्वेश्चन आंसर वगैरह बनाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह देख करके, और सारे जो भी गेस्ट पेपर्स होते हैं उनमें से क्वेश्चन वगैरह जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं उन्हीं को उठाते हैं। तो मुझे भी इनका आंसर नहीं पता होता है, मेरी टीम के लोग बनाते हैं और मुझे सिर्फ दे दी जाती है स्लाइड केवल पढ़ने के लिए, एट ए टाइम मैं स्लाइड देखता हूँ, मुझे भी इसके आंसर्स नहीं बताते हैं, इसलिए जो भी चीज़ें मैं गेस कर रहा हूँ वो मैंने अपने बलबूते पे की है, जो मैंने पढ़ाई कर रखी थी उसी के अनुसार। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, अ सोल्यूशन हैज़ एन ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ 0.08 to 1 atm होना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ arm गलत हो गया है। ठीक है, गलत हो गया, ये arm नहीं होगा, ये atm होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ाया गया था, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, ATM स्टेलस मेरे पास नहीं इस वक्त इसलिए गलती हो रही है, कोई बात नहीं, ATM एट 300 केल्विन्स, इट्स कॉन्सेंट्रेशन वुड बी, क्या होना चाहिए इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर 0.08 to 1 है ATM पे। ठीक है, 300 केल्विन की टेम्परेचर के बारे में बताया गया हमें, 0.66 ml होगा, 0.32 ml होगा, 0.066 ml होगा, या फिर 0.033 ml होगा, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर, जल्दी बताइए। आंसर होना चाहिए 0.32 ml, रिपीट कर दिया मैंने, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, एक कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच, अब देखिए कैटलिस्ट के बारे में हमें 6th क्लास से ही पढ़ाया जा रहा है, अगर सही में आपने कैटलिस्ट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है तो सही में या तो मुरब्बा बच्चे हो, एकदम मुरब्बा बच्चे हो। ठीक है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, अवले का मुरब्बा बच्चे हो। देख लेते हैं, चलिए इसका आंसर क्या है, इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट साइड जो होती है उसका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसको बढ़ा देता है, या फिर चेंज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन, जो इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने का कॉन्स्टेंट होता है, एक हर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होता है, उस कॉन्स्टेंट को ये बदल देता है, रिएक्शन के कॉन्स्टेंट को, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी, शॉर्टन्स द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम,
हर रिएक्शन जो भी होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि जो प्रोडक्ट में रिएक्टेंट साइड में चीज़ें मिक्स की गई वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आने की कोशिश करती है, जिस स्टेट में आने के कोशिश के तहत एक रिएक्शन होता है और वो एक प्रोडक्ट देता है, इसी पूरे प्रोसेस को एक रिएक्शन कहते हैं, समझ रहे हो। तो ये पूरा चक्कर होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में आने का, समझ रहे हो। इसमें यही पूछा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में आने की प्रोसेस को टाइम को घटा देता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सप्लाई एनर्जी टू द रिएक्शन, क्या एनर्जी देता है रिएक्शन को, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर। देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को प्रोवोक करना। अगर रिएक्शन वो चाहे तो बहुत जल्दी करा सकता है, वो चाहे तो बहुत स्लो भी करा सकता है, कैटलिस्ट दोनों काम करते हैं, रिएक्शन को प्रोवोक भी करते हैं, डी प्रोवोक भी करते हैं। रिएक्शन को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे करा देते हैं, मतलब उनका जो भी जेन्युइन टाइम लगना चाहिए रिएक्शन में उसे जल्दी करा देते हैं या लेट करा सकते हैं। जनरली क्या होता है, कैटलिस्ट जो होते हैं टाइम घटा देते हैं रिएक्शन का। मान के चलिए आपने सोप डिटर्जेंट वाला रिएक्शन अगर जो 10th क्लास में 12th क्लास में किया होगा, ध्यान दिया होगा अगर आपने, तो आपको याद आ जाएगा कि हमने सोप फॉर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वहाँ हमें 3 से 4 दिन लग जाते थे सोप को बनाने में, सोप बनाने का एक कॉन्सेप्ट हमें 10th क्लास में भी पढ़ाया गया है, ठीक है। अब अगर आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन चुटकियों में हो जाता है, 5 से 10 मिनट में ये रिएक्शन हो जाता है। तो कहाँ 3 दिन लग जाते हैं एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में, कहाँ 10 मिनट लगते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैटलिस्ट क्या करता है। कैटलिस्ट टाइम घटा देता है, यस, शॉर्टेंस टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, एक रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको कम कर देता है। इसी इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के चक्कर में सारी रिएक्शन प्रोसेस होता है जिसके अंत में हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो इस रिएक्शन प्रोसेस के दौरान जो टाइम लगता है एक कैटलिस्ट अगर ऐड कर दिया जाए उस रिएक्शन में तो वो उस टाइम को घटा देता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 पूछा है द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। देखिए अभी अभी ये क्वेश्चन में मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि पूरा कैटलिस्ट होता क्या है, ठीक है। रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज, कैटलिस्ट क्या कार्य करता है, क्या रोल अदा करता है, किस चीज़ को चेंज करने का। गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, या इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को चेंज कर देता है रिएक्शन के हिसाब से। आप जल्दी बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। चलिए आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को एक्टिव करने की एनर्जी जो होती है उसको चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। जनरली ऑब्वियसली अगर एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करेगा तो जल्दी रिएक्शन होगा, चेंज इन द सेंस कि वो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा रहा है जिस वजह से जल्दी रिएक्शन शुरू हो जा रहा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन हो गया इसका सही। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 आई थिंक अमोनिया होता है ऑन द सर्फेस ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन एक हार्ड मेटल, मतलब कहिए कि काफ़ी कंडक्टिव मेटल है। टंगस्टन के वायर्स इस्तेमाल किए जाते हैं बल्ब्स, फिलामेंट, जो पुराने बल्ब आते थे पीले वाले आपको याद होंगे, जब मैं छोटा था तो हमारे गाँव में वही बल्ब लगते थे, उन्हीं के अंदर हम लोग पढ़ा करते थे, काफ़ी मच्छर मक्खी भी आ जाते थे उस बल्ब की वजह से, आपको याद होगा तो ज़रूर बताइएगा। ये पुरानी यादें काफ़ी अच्छी होती हैं, आपके घर में भी अगर पीला बल्ब कभी लगा है तो ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। तो टंगस्टन जिसका सिंबल W होता है, आई थिंक अमोनिया जब टंगस्टन सरफेस पे रहता है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ टंगस्टन इज अ रिएक्शन ऑफ 0 ऑर्डर, 1st ऑर्डर, 2nd ऑर्डर या फिर फ्रैक्शनल ऑर्डर, क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होना चाहिए, अपने मार्क्स जरूर बताइएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, नहीं आपने एनालाइज किया तो एनालाइज करते चलिएगा और अपने आप को तौलिएगा कि आप किस स्तर पे हैं, ठीक है। आंसर होना चाहिए 0 ऑर्डर। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन NH3 का टंगस्टन के सरफेस पे होता है तो इस रिएक्शन प्रोसेस को 0 ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। चलिए ठीक है, यहीं तक थी आज के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़, और इस सीरीज़ के इस लास्ट वीडियो में हमने पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कवर अप कर लिया, बचता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स। अब देखिए मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पा रहा हूँ, आप लोग ऑब्जर्व भी कर पा रहे हो, वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने एंड से कि मैं वीडियोज़ दे पाऊँ। जैसा भी होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा, जितना भी हो कंटेंट पूरा देने की कोशिश करूँगा। फिजिकल केमिस्ट्री हो चुकी है आपकी, इसको रिवाइज़ करिए। मैं ये नहीं कह सकता कि इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आपके तैयारी को बूस्ट करने में थोड़ी मदद जरूर करेंगे। अगर आपने तैयारी अच्छी कर ली तो आपके मॉक के तौर पर हेल्प करेंगे, अगर आपकी तैयारी 0 है तो भी ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देंगे सिलेबस चैप्टर वगैरह चीज़ों का, और आप इससे एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। हाँ मैं गारंटी देता हूँ कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर एग्जाम में आपके यहाँ से आएंगे। खैर जो भी था आज की इस वीडियो में इतना ही था, आपके हिसाब से कोई भी गलत हो गया हो आंसर वगैरह तो ज़रूर बताना नीचे कमेंट करके, कोई सवाल या सुझाव होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। छठ पूजा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।